नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो इंडिया के मैप के अंदर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो है वो इस समय विशेष तौर से जो सिस्टम है वो बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो बंगाल की खाड़ी के अंदर सिस्टम बना था वो अभी भी जो है वो लगभग जो है वो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के आसपास अभी इसका जो केंद्र है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ में बात करें तो जो अरब सागर के अंदर भी सिस्टम बना हुआ था वो काफ़ी कमज़ोर रूप के अंदर अभी भी जो है वो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बना हुआ है। एक कमज़ोर WD उत्तर भारत के अंदर जो है वो अभी आने वाला है और एक WD जो है वो गुजर रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जो है वो लगातार ये दूसरा WD एक के बाद एक जो है वो आने जा रहा है, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पिछले WD की तुलना के अंदर थोड़ा सा मध्यम दर्जे का है या थोड़ा सा मजबूत दर्जे का है। तो अब अगर यहाँ पर जो है वो राजस्थान के मैप के अंदर देखें कि किन किन जिलों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो हवाओं का फ्लो है वो लगभग जो अरब सागर से यहाँ पर जो है वो हवाएं पहुँच रही है, नमी वाली हवाएं कुछ मात्रा के अंदर ख़ास तौर से दक्षिणी राजस्थान के अंदर। हालांकि तापमान की अगर बात करें तो तापमान लगभग सभी जिलों के अंदर अभी जो बढ़े हुए हैं। ओवरऑल अगर भारत के लगभग सभी राज्यों की बात कर ली जाए तो उसकी उनकी तुलना के अंदर भी राजस्थान के अंदर तापमान कहीं ना कहीं जो है वो तापमान के मामले में काफ़ी आगे है। इस समय अगर बात करें तो लगभग जो है वो 35 डिग्री के आसपास भी कुछ क्षेत्रों के अंदर जो तापमान पहुँच गया है, नमी की मात्रा भी काफ़ी कम है। और आगे आने वाले लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर विशेष तौर से 5 और 6 तारीख को देखा जाए तो 5 तारीख को लगभग संपूर्ण राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों के अंदर मौसम शुष्क बना रह सकता है। 6 तारीख से जो WD है उसका असर आपको जो वो राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो नमी वाली हवाएं आ रही है उसकी वजह से जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, इसके साथ साथ में राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों के अंदर 5 तारीख को भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में 6 तारीख को जो बारिश की संभावना है वो मुख्य रूप से हल्की बारिश के रूप में ही आपको जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, इसके साथ साथ में जो धौलपुर, भरतपुर यानी उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हैं वो WD की वजह से देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो WD है वो बहुत ज़्यादा जो वो तेज़ या प्रबल दर्जे का जो नहीं है, इसकी वजह से हल्का असर ही यहाँ पर जो है वो पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ में राजस्थान यानी मैदानी इलाकों के अंदर जो होने का अनुमान लगाया गया है। बाकी अधिकतर क्षेत्रों के अंदर अभी जो है वो मानसून, जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजस्थान से जो है वो लौट चुका है, तो यहाँ पर लगभग जो मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। उम्मीद करूँगा कि आपको जो अपडेट दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।